अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कश्मीर लायू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शेख सहर। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमरीकी अदालतों ने इंतखाबी गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक मिशिगन और जॉर्जिया में ट्रंप मुहिम के मुकदमों को खारिज कर दिया। जुमा के रोज़ वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के एक अस्पताल में नौमालूद की लाश बरामद हुई है। इधर साबिक वजीर आला और पीडीपी की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने जुमे के रोज़ कहा था कि हुकूमत आईन पर अमल नहीं करती बल्कि हिंदुस्तानी जनता पार्टी बीजेपी के का एजेंडा है। अंजुमन अवकाब जामिया मस्जिद और सईद अहमद नक्शबंदी ने मशहूर जामिया इमामुद्दावा जुमा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर कश्मीर के मरकजी पादरी मीर वाइज उमर फारूक को रिहा करें जो 5 अगस्त 2019 से नज़रबंद है। इधर मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशानक ने जुमे के रोज़ कहा कि हिंदुस्तान की नई कौमी तालीमी पॉलिसी NEP मसावत मयार और रसाई के तसव्वुरात पर मबनी है। जुमे के रोज़ जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में पामपोर के मेज के इलाके में एक मुकाबले में हथियार डालने के बाद दो लश्करी तैयबा अस्करियत पसंद मारे गए जबकि एक ने हथियार डाले। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस वबाई अमराज की वजह से एहतियाती तदाबीर के साथ हज 2021 के लिए एक्शन प्लान जारी किया है। हिदायत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी के लिए फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिला था जिसे जुमे के रोज़ बम्बई हाई कोर्ट के सामने इनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत नामुकम्मल रहने के बाद जुमे के रोज़ खुदकुशी के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। जुमे के रोज़ PDP की चीफ और साबिक वजीर आला जम्मू व कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर आर्टिकल 370 को मंसूख करने के बाद जम्मू व कश्मीर में सब अच्छा है तो फिर यहाँ इख्तलाफ राय पर क्यों पाबंदी आयद कर दी गई है। आज की सुर्खी इख्तदाम पजीर। दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। कल फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।